वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन असल ब्रीडर्स न्यू पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, बहुत मेरे भाई जो आउट ऑफ कंट्री के रहने वाले हैं और क्वालिटी बर्ड्स मंगाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत मेरे भाई है जिनके पास क्वालिटी बर्ड्स है बट वो सही प्राइस में सेल नहीं कर पा रहे, और बहुत मेरे भाई है दो अच्छे चीज को लेना चाह रहे बट वो क्या है नहीं ले पा रहे। तो ये जो वीडियो फ्रेंड ज्यादातर मैं फॉरेन वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो क्वालिटी बर्ड्स जो पैरेट भी का सेल होता है दोस्तों, इंडिया से ज्यादा फॉरेन में सेल होता है और फॉरेन में जो है अच्छे प्राइसेस में सेल होता है। ये इंडियन जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है और जो बाहर के जो फॉरेन कंट्री के ब्रीडर्स थे उनके लिए भी प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो भाई इंडिया से एक्सपोर्ट करता है अपना बर्ड्स, वो क्या अपने पास वो चीज को डबल ट्रिपल रेट में सेल करता है। तो आप अगर डायरेक्ट इंडिया से मंगाएंगे तो आपको वो बहुत ही जेन्यून प्राइस में मिल जाएगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। बाकी ज्यादातर जो ब्रीडर है दोस्तों जेन्यून प्राइस में ही बर्ड्स अपना सेल करते हैं, लेकिन कुछ एक ब्रीडर्स है, कुछ एक रीसेलर्स है जो डबल ट्रिपल प्राइस में सेल करते हैं। तो आपको ध्यान देना दोस्तों आप कहां से बर्ड परचेस कर रहे हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखना है दोस्तों। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि दोस्तों आप जो है एक्सपोर्ट कैसे करना रहेगा। देखिए दोस्तों, एक दो बर्ड एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते, तो इसके लिए जो है दोस्तों ट्रांसपोर्टर ही एकमात्र ऑप्शन है। अपने इंडिया में 4-5 ट्रांसपोर्टर है दोस्तों जिसके थ्रू जो है आप बर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको अगर कोई डाउट है आप डायरेक्टली मेरे थ्रू भी एक्सपोर्ट करवा सकते हो दोस्तों, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स का नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्टर्स का नंबर इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए बहुत टाइम धोखा वाला भी काम होता है। अब मैं किसी का नंबर दे दूंगा, मान के चलो वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसमें फिर जो है मेरा नाम बीच में आता है। तो इस वजह से अगर आपको एक्सपोर्ट करवाना रहेगा आप मेरे थ्रू भी एक्सपोर्ट करवा सकते हो दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेफली जाता है। एक बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखिए जब भी एक्सपोर्ट होता है कम से कम 200 से 400 असील्स एक साथ एक्सपोर्ट होते हैं, एक साथ शिपमेंट जाता है, तो लगभग महीने में 2 से 3 शिपमेंट जाता है फिलहाल इंडिया से दोस्तों। तो 2-4 बर्ड मान के चलो आपको 2-4, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के रहने वाले हो तो आपको 2-4 बर्ड चाहिए, तो 2-4 बर्ड आपने ऑर्डर कर दी कि सर मेरे को ये बर्ड चाहिए, और जो भी प्राइसेस वगैरह आपने प्राइसेस वगैरह पेमेंट आपको पहले करना रहेगा, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज रहेगा दोस्तों लगभग 25-35,000 के आसपास एक बर्ड का रहता है, वो आपको अमाउंट को पे करना है। उसके बाद जो है दोस्तों हमको सर्च करना रहेगा कि कब जो है शिपमेंट जाने वाला है, मैं सर्च करके दूंगा कि कहां शिपमेंट जाने वाला है या फिर कौन से डेट को जाने वाला है। तो शिपमेंट वाले दिन से पहले जो है मेरे लोकेशन से उस वाले लोकेशन के लिए बर्ड जाएगा, और वहां पे जाने के बाद जो है दोस्तों सबसे पहले बर्ड आपका इंडिया से ओमान के लिए जाता है या फिर इंडिया से मस्कट के लिए जाता है, मस्कट से जो दोस्तों दुबई के लिए जाता है या फिर मस्कट से पाकिस्तान के लिए जाता है। तो ये टोटल जो चार्जेस लगेगा दोस्तों 35,000 ईच बर्ड का रहने वाला है। तो आपको अगर एक्सपोर्ट करवाना है दोस्तों, एक दो बर्ड आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते, आपको किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही करवाना रहेगा, सबसे सेफ पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन दे पाया, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे सिर्फ एक आदमी का काम नहीं रहता कि एक आदमी के थ्रू जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आप मेरे थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पास मेरा जो बर्ड्स रहेगा वो मैं सेंड करूंगा, फिर वो जो है दोस्तों वहां से बर्ड ओमान या फिर मस्कट के लिए सेंड करेगा, तो मस्कट में एक ट्रांसपोर्टर रहेगा, फिर उसके थ्रू जो है दोस्तों दुबई में जाएगा, दुबई में भी एक ट्रांसपोर्टर है। तो उस वजह से क्या होता है ना दोस्तों, मान के चलो पाकिस्तान के रहने वाले तो मस्कट से फिर पाकिस्तान के लिए जाएगा, पाकिस्तान में भी ट्रांसपोर्टर है दोस्तों, तो फिर उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है फिर आपके लोकेशन के लिए बर्ड को डिलीवर किया जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा वो, मतलब इंडिया से जो जाएगा दोस्तों वो बाय एयर जाएगा या फिर बाय शिप जाएगा। अगर पाकिस्तान वगैरह के लिए होगा तो बाय एयर ही जाएगा दोस्तों, अगर श्रीलंका के लिए होगा दोस्तों वो बाय शिप के थ्रू जाएगा। लगभग एक शिपमेंट में दोस्तों लगभग 200 से 400 बर्ड्स होता है, तो वही है कभी कभी 15-20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, आपका बर्ड बिल्कुल सेफली पहुंचेगा। तो दोस्तों इस वाले वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल फ्रेंड्स अगर नए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो डालू तो वीडियो को जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।